सो फाइनली गाइज यार मुझे ये वाला न्यू पुलिस कैरेक्टर देखने को मिल चुका है। अबे साले। अरे हाँ गाइज यार मुझे ये वाला न्यू पुलिस कैरेक्टर अपनी इंडियन मैक्सिमम रेडी गेम के अंदर देखने को मिल चुका है, क्योंकि भाई लोग आज की साली वीडियो के अंदर भी हम लोग मिथ बसेस को कन्फर्म या फिर बस्ट करने जा रहे हैं। तो इसी वजह से गाइज यार ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने जा रही है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। एंड अगर अभी तक आप सब लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। काफी दिनों से देख रहा हूँ आप लोग ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर चलो आप लोग का बिना कोई टाइम गवाए हम लोग अपने सबसे पहले वाली मिथ की तरफ बढ़ते हैं। मिथ अगर आप हाउस का कलर भी लिखोगे तो हाउस का कलर चेंज होता है। तो चलो फटाफट से हम लोग बिना कोई देरी करे हम लोग इस मिथ को भी यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा हाउस, फटाफट से यहाँ पर मैं इसे लैंड करता हूँ, मेरी जेट पैक से यहाँ पर लैंड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अर्जित सूल के अंदर चलते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर हाउस कलर लिखते हैं, फिर देखते हैं हाउस कलर चेंज होता है या फिर नहीं। यहाँ पर तो मेरे कैरेक्टर को भाई साहब उतरते ही मिर्गी का दौड़ा पड़ चुका था, पर यहाँ पर ठीक हो चुका है। चलो फटाफट से मैं अर्जित सूल के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं हाउस कलर लिख देता हूँ, फिर देखते हैं हमारे हाउस का कलर यहाँ पर चेंज होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने हाउस कलर लिख दिया, चलो फटाफट से यहाँ पर मैं इसको टिक कर दिया। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो टिक करने के बाद भी भाई साहब यहाँ पर हमारे हाउस का कलर चेंज नहीं हुआ। चलो मैं एक और बार यहाँ पर हाउस कलर लिखता हूँ, क्या पता इस बार यहाँ पर हमारे हाउस का कलर चेंज हो जाए। खाली सिंपली मैंने हाउस कलर लिखा और मैंने टिक किया तो यहाँ पर हमारे हाउस का कलर चेंज नहीं हुआ है हमारी गेम के अंदर। यहाँ पर मैंने अपनी गेम के अंदर हाउस कलर लिखा तो भी हमारे हाउस कलर चेंज नहीं हुआ। अगर हाउस कलर के आगे कुछ लिखता तो यहाँ पर हाउस का कलर चेंज होता था। बाकी ये वाला मिथ यहाँ पर हमारा बस्टेड है। अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। मिथ अगर आप एयरपोर्ट की बिल्डिंग के टॉप में जाके साइड पर देखोगे तो उधर एक फोटो होगा। चलो फटाफट से हम लोग इस मिथ को ट्राई करते हैं। और भाई ने बोला था कि व्हाइट बिल्डिंग, तो यहाँ पर फटाफट से अपने आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं एयरपोर्ट के अंदर चलता हूँ और एयरपोर्ट के अंदर तो एक ही व्हाइट बिल्डिंग है, वो रही सामने। चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी ZX9R को यहीं पर ही खड़ा कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने मिनी जेट को स्पॉन कर लेंगे, फिर हम लोग ऊपर चलेंगे, फिर देखते हैं वहाँ पर कौन सा फोटो लगा हुआ होता है। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी सेल फोन निकालता हूँ और अपने मिनी जेट पे को यहाँ पर मैं स्पॉन कर लेता हूँ 330 के चीट कोड नंबर से। यहाँ पर हमारा मिनी जेट पे आ चुका है। फटाफट से यहाँ पर मैं इस बिल्डिंग के ऊपर चलता हूँ, फिर देखते हैं इस बिल्डिंग के टॉप पर भाई साहब आखिरकार कौन सी वो फोटो लगी हुई है जिसके बारे में भाई यहाँ पर बोल रहे थे। यहाँ पर मैं फटाफट से ऊपर तो आ चुका हूँ। चलो फटाफट से सिंपली स्मूथ तरीके से यहाँ पर अपने मिनी जेट पे से लैंड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फटाफट से बिल्डिंग के पास आ चुका हूँ, देखते हैं फोटो कहाँ पर लगा हुआ है। तो भाई साहब यहाँ पर मेरे को कुछ झलक तो नजर आई है। चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी AK-47 निकाल ली और मैंने यहाँ पर इसका जूम कैमरा मतलब इसका स्कोप खोल लिया। एंड आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो, अरे भैंस की आंग, यहाँ पर तो एक खतरनाक सा फोटो लगा हुआ है भाई साहब। पता नहीं यहाँ पर ये क्या है, मेरे को तो भाई साहब ये एलियन ही लग रहा है, पता नहीं कौन से प्लेनेट से है। आप सब लोग यहाँ पर देखो भाई साहब, यहाँ पर जो मैंने अपनी स्नाइपर निकाली उससे भी यहाँ पर मेरे को भाई साहब काफी ज्यादा डर लग रहा है। कहीं भाई साहब ये मेरे को निकल के भाई साहब उठा के ना ले जाए यहाँ पर अपने प्लेनेट पर ही नहीं ले जाए भाई साहब। मुझे ये तो मुझे भाई साहब एलियन लग रहा है। एलियन की फोटो यहाँ पर हमारी इंडियन मैक्सिमम रेडी गेम पर लगी हुई है और अभी एयरपोर्ट की बिल्डिंग के टॉप पे। अरे भाई साहब ये रोहित भाई ने ये क्या कर दिया। अबे भाई मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं फटाफट से यहाँ पर भागता हूँ। बाकी ये वाला मैं तुम्हारा कन्फर्म है। मिथ भाई अगर आप हाउस का कलर चेंज करते हो तो शोरूम का कलर भी चेंज होगा, 100% वर्किंग बोला है भाई ने। चलो फटाफट से हम लोग इस मिथ को भी यहाँ पर ट्राई करते हैं। चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी सेल फोन निकालता हूँ, फिर हम लोग अपने हाउस कलर यहाँ पर चेंज करते हैं, फिर देखते हैं शोरूम का कलर भी चेंज होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर चलो फटाफट से अपनी सेल फोन निकालिए। तो यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट में क्यों आ गया भाई, मुझे तो अर्जित सूल में अंदर जाना है। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं अपने हाउस कलर ग्रीन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे शोरूम के पास, फिर देखते हैं शोरूम का कलर यहाँ पर ग्रीन हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने हाउस का कलर ग्रीन कर दिया, उसके बाद मैंने टिक कर दिया तो यहाँ पर हमारे हाउस कलर ग्रीन हो चुका है। फटाफट से यहाँ पर अपनी मिनी जेट पे कोई स्पॉन कर लेता हूँ 330 के चीट कोड नंबर से। तो यहाँ पर हमारा मिनी जेट पे आ चुका है। चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं शोरूम के पास, फिर देखते हैं हमारे शोरूम का कलर भी यहाँ पर ग्रीन हुआ या फिर नहीं, क्योंकि हमारे हाउस कलर तो यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। चलो फटाफट से यहाँ पर हम लोग अपने शोरूम के पास फटाफट से यहाँ पर पहुंच लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे शोरूम का कलर यहाँ पर ग्रीन हुआ या फिर नहीं। एंड हाँ यार दोस्तों, अगर आप सब लोग के पास अपना कोई मिथ हो तो आप सब लोग इसी वीडियो के नीचे अपना मिथ कमेंट कर सकते हो। आप सब लोग के मिथ को हम लोग अगली वीडियो के अंदर जरूर ट्राई करेंगे यार। और मैं आप सब लोग को चैलेंज करता हूँ, अगर हमारे शोरूम का कलर ग्रीन हुआ होगा तो आप सब लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी यहाँ पर झलक देखने को मिल रही है अपने शोरूम की, पता नहीं यहाँ पर हमारे शोरूम का कलर पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रीन हुआ है या फिर नहीं। चलो वो तो हमको शोरूम के पास जाने पर ही पता लगेगा, पर यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो भाई सब सच्ची में हमारे शोरूम का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। पर चलो फटाफट से यहाँ पर अपने मिनी जेट पैक से यहाँ पर लैंड कर लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर लैंड के ऊपर। तो यहाँ पर उसके बाद हम सब लोग को देखने को मिलेगा कि हमारे शोरूम का कलर यहाँ पर कैसा ग्रीन हो चुका है। आप सब लोग यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो यार दोस्तों, हमारे शोरूम का जो कलर है वो यहाँ पर हमारा ग्रीन हो चुका है। अब तो यार आप सब लोग को सब्सक्राइब करना ही होगा यार। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं अर्जित सूल के अंदर यहाँ पर अपने हाउस कलर RGB करता हूँ, क्या पता हमारे यहाँ पर शोरूम का कलर भी RGB हो जाए। यहाँ पर मैंने RGB लिख के टिक कर दिया, पर यहाँ पर नहीं यार, हमारे शोरूम का कलर तो RGB नहीं होता, पर हम लोग अपने शोरूम का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने हाउस का कलर चेंज करेंगे तो हमारे शोरूम का कलर भी चेंज होता है। तो यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कंफर्म होता है। बाकी सब्सक्राइब कर देना यार आप लोग, ये वाला मिथ हमारा कंफर्म होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले मिथ की तरफ। मिथ NPC पर 7 स्टिकी बम लगाकर दूर जाके नाइट मोड करके देखो तो होगा मैजिक। चलो फटाफट से हम लोग इस मिथ को भी यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने NPC खड़ा हुआ है। चलो फटाफट से यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर मैं अपने लगा देता हूँ यहाँ पर स्टिकी बम पर। यहाँ पर मैसेज जी आ गया भाई साहब मेरा। चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसके ऊपर यहाँ पर स्टिकी बम लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर दो स्टिकी बम
लगा दिए, एक तो नीचे गिर गया था तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर तीन स्टिक बम लगा दिए। भाई साहब ये हिल बहुत रहा है, तो यहाँ पर ये चार हो गए, पांच हो गए, अब बाकी दो रहते हैं, अब बाकी एक रहता है। एक जैसे चिपकेगा फिर यहाँ पर मैं अपना नाइट मोड कर दूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर चलो सबसे पहले तो हम लोग दूर जलते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग नाइट मोड करते हैं। इतना तो दूर नहीं जाऊंगा, क्या पता मुझे नजर ही ना आए, तो यहाँ पर मैंने नाइट मोड कर दिया। चलो फटाफट यहाँ पर अपने सेलफोन के अंदर चलता हूँ, फिर यहाँ पर कंट्रोल्स के अंदर जाकर एक्टिवेट करता हूँ, फिर देखते हैं कौन सा मैजिक होता है। तो यहाँ पर मैंने एक्टिवेट कर दिया। एंड भाई साहब यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर जो करेक्टर था, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो एनपीसी था, वो यहाँ पर भाई साहब लॉन्च हो चुका था। जैसे कि हमारे यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स लॉन्च होते हैं, उस तरीके से हमारा एनपीसी यहाँ पर लॉन्च हो चुका था। तो यहाँ पर ये वाला मैथ हमारा कंफर्म होता है भाई साहब, खतरनाक सा मैजिक हो चुका है यार। अगले मैथ में ये बोल रहे हैं मेगा रैप में मून ग्रेविटी लगाकर कार को मंगाओ तो कार उड़ेगी थोड़े देर के लिए। चलो फटाफट से हम लोग स्मिथ को यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। चलो फटाफट से यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मून ग्रेविटी ऑन कर लेता हूँ। 7112 चीट कोड नंबर है हमारे यहाँ पर मून ग्रेविटी का। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं अपनी मून ग्रेविटी कर लिया, तो यहाँ पर हमारे मून ग्रेविटी का चीट कोड नंबर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर अपनी कोई भी यहाँ पर कार स्पॉन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी 700 वाली कार स्पॉन कर लू। यहाँ पर मेरी लेबोरगिनी V2 आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो यार, थोड़ी देर के लिए तो हवा में रही थी। चलो एक और बार यहाँ पर मैं कार स्पॉन करता हूँ, फिर देखते हैं वो भी यहाँ पर हवा के अंदर रहती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर थार स्पॉन कर लिया, आप सब लोग यहाँ पर देखो थार लिटरली एक या फिर डेढ़ सेकंड के लिए हवा के अंदर उड़ रही है, आप सब लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। हवा के अंदर जैसे ही मैं मंगा रहा हूँ तो हवा के अंदर उड़ रही है ये। तो देखो यहाँ पर मैंने जो जैसे रेंज रोवर को मंगाया, रेंज रोवर तो हमारी यहाँ पर जंप करती है, तो भाई साहब पता नहीं कौन से दूसरे प्लेनेट पर चली गई। आप सब लोग यहाँ पर देखो कितना धीरे से यहाँ पर लैंड करी, और ये तो कतई फ्लाइंग कार ही बन चुकी थी यहाँ पर हमारी। यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी को मंगाता हूँ सिंपल वाली, तो यहाँ पर आप लोग देखो थोड़ी देर के लिए तो हवा के अंदर रह रही है यार। मैंने मून ग्रेविटी का चीट कोड नंबर लगाया था, तो यहाँ पर ये वाला मिथ भी यहाँ पर हमारा कंफर्म होता है यार यहाँ पर। तो फिर चलो बिना कोई देरी करे हम लोग अपने अगले मिथ की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे मून ग्रेविटी लगाकर अपनी कार को मंगाया तो कार हवा के अंदर उड़ रही थी। हेलीकॉप्टर में गन लेके बैठोगे तो होगा मैजिक। तो चलो फिर हम लोग स्मिथ को यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर को स्पॉन कर लेते हैं 3000 के चीट कोड नंबर से। यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर आ चुका है, चलो फटाफट से यहाँ पर अपनी गन को लेके यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मैजिक होता है। यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ चुका है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन करोगे तो यहाँ पर मैंने मेरे करेक्टर एक फिर को तो हाथ में नहीं रखता। यहाँ पर मैं अपनी आरपीजी पर सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा करेक्टर आरपीजी लेके यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पर मैंने AK-47 पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर AK-47 को हाथ में लेके बैठा हुआ है, पिस्टल को लेकर हाथ में बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतर रहा हूँ तो उसी गन को हाथ में लेके नीचे उतर रहा है, जिस गन को यहाँ पर हाथ में लेके अंदर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर गन और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने का बटन एक साथ दबाया, पर यहाँ पर ये गन लेके तो नहीं बैठ रहा। पर आप सब लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जैसे आरपीजी को यहाँ पर अपना सिलेक्ट किया है अपने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के बाद, तो भाई साहब यहाँ पर देखो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि अभी हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पर बाजूका फायर करने वाला है। और यहाँ पर जैसे मैंने स्नाइपर ले रहा हूँ हाथ में, भाई साहब स्नाइपर तो कोई अलग लग रही है, स्नाइपर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी मिशन पर आया हूँ, किसी को मेरे को हंट करना है, किसी को मेरे को स्नाइपिंग से यहाँ पर उसकी गोलियां उछाड़ देनी है, किसी को यहाँ पर मैंने वेस्टेड कर देना है। पर यहाँ पर देखो जैसे मैं आरपीजी सिलेक्ट कर रहा हूँ, आरपीजी का बाजूका बाहर आ रहा है और AK-47 तो कतई अलग लग रही है, और स्टिकी बम तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दिखेगी नहीं। बाकी यहाँ पर हमारा जो स्नाइपर है वो तो भाई साहब कतई खतरनाक ही यहाँ पर लग रहा है यार। ऐसा मिथ तो नॉर्मली हो जाता है, बाकी यार ये वाला मिथ मेरे को समझ नहीं आया है, तो इसलिए ये वाला मिथ यहाँ पर हमारा बस्टेड होता है यार यहाँ पर ये वाला। तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले मिथ की तरफ। यहाँ पर मिथ अगर हम स्टिकी बम बनकर फायर ट्रक में बैठेंगे तो एक मैजिक होगा। तो यार चलो फटाफट से हम लोग इस मिथ को यहाँ पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो अपनी इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ 9129 के चीट कोड नंबर से, उसके बाद फटाफट से यहाँ पर हम लोग बाहर चलते हैं। फिर बाहर हम लोग स्टिक बम लगाते हैं नीचे, फिर हम लोग यहाँ पर स्काईफॉल का चीट कोड नंबर एक्टिवेट करके यहाँ पर हम लोग स्टिकी मैन बन जाएंगे। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं नीचे यहाँ पर स्टिकी मैन लगा देता हूँ, काफी सारे स्टिकी बम यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। यार दोस्तों अगर आप सब लोग अभी तक हमारी ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आप सब लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, एंड अगर अभी तक आप सब लोग ने हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर मैंने काफी सारे स्टिकी बम लगा दिए, चलो फटाफट से इनके ऊपर खड़े रहकर यहाँ पर मैं 1120 जो कि हमारे स्काईफॉल का चीट कोड नंबर है उसको यहाँ पर मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा करेक्टर स्काईफॉल करने लग चुका है, और भाई साहब शुक्र है कि मैंने इन्फिनाइट हेल्थ लगा दिया, वरना तो मेरे को मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था कि मैं भूल चुका हूं इन्फिनाइट हेल्थ लगाना, पर यहाँ पर मैंने अपनी इन्फिनाइट हेल्थ लगा ली थी। यहाँ पर हमारा करेक्टर नीचे आ चुका है, यहाँ पर हमारा करेक्टर स्टिकी मैन बन चुका है। अब चलो फटाफट से यहाँ पर हम लोग बिना कोई देरी करे अपने यहाँ पर न्यू वाले फायर ट्रक को स्पॉन कर लेते हैं 606 के चीट कोड नंबर से। यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो फायर ट्रक है वो यहाँ पर आ चुका है। अब चलो फटाफट से हम लोग फायर ट्रक के अंदर बैठते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा मैजिक होने जा रहा है। तो यहाँ पर अपने फायर ट्रक के अंदर बैठ चुका हूँ स्टिकी मैन बनकर, तो आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो अरे भाई साहब यहाँ पर तो इसकी जो तहस नहस हो चुका है हमारा फायर ट्रक, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो अरे भाई साहब ये तो जमीन के अंदर कहाँ घुस रहा है, अरे भैंस के अंग ये क्या कर रहे हो, अरे भाई साहब यहाँ पर देखो ये तो गोल गोल चक्कर काट रहा है, भाई साहब गोल गोल यहाँ पर चक्कर काट रहा है हमारा फायर ट्रक स्टिक मैन बनने के बाद, अरे भाई साहब मेरा तो सगर चक्कर आ रहा है, अरे भाई साहब ऐसा मत करो। और जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को साइड का व्यू दिख रहा है, पर ऐसे ही अगर नॉर्मल पर्सन कर रहा हूँ यहाँ पर देखो भाई साहब कितनी खतरनाक तरीके से यहाँ पर ये घूम रहा है, अरे भाई साहब इतना मत घूम यार मेरा सर ही चक्कर आ रहा है भाई साहब। चलो फटाफट से यहाँ पर मैं इससे नीचे उतरता हूँ, वरना तो भाई साहब मेरा यहाँ पर सर चक्रा जाएगा और मैं यहाँ पर बेहोश ही ना हो जाऊँ कहीं पर भाई साहब गेम के अंदर ही। यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर अपने करेक्टर को नीचे गिरा दिया, वैसे तो यहाँ पर मेरे को डैमेज तो नहीं आएगा क्योंकि भाई साहब यहाँ पर हमारा इन्फिनाइट हेल्थ लगा हुआ।
बाकी यार यहाँ पर पता नहीं कौन सा खतरनाक सा मैजिक हो चुका था, पता नहीं यहाँ पर हमारे फाइटर को मिर्गी का दौड़ा पड़ चुका था। तो यहाँ पर ये वाला मैं तुम्हारा कंफर्म होता है कतई खतरनाक सा ये वाला मैजिक हो चुका है भाई, मेरा पूरा सर चकरा रहा है भाई। तो गाइस यार आज की हमारी वीडियो के अंदर बस इतने कुछ मिथ्स से जो कि आप सब लोगों ने मुझे कमेंट किया और मैंने अपनी वीडियो के अंदर ट्राई किया, उसमें से कुछ मिथ यहाँ पर हमारे कंफर्म हुए और कुछ मिथ यहाँ पर हमारे बस्टेड हुए। और दोस्तों अगर आप सब लोग के पास भी अपना कोई मिथ हो तो आप सब लोग इसी वीडियो के नीचे अपने मिथ को कमेंट कर सकते हो, आप सब लोग के मिथ को हम लोग अगली वीडियो के अंदर जरूर से जरूर ट्राई करेंगे। अगर आप सब लोग के पास कोई मिथ ना हो आप सब लोग अपना चीट को नंबर भी कमेंट कर सकते हो, आप सब लोग का मिथ होगा या फिर चीट को नंबर होगा उसको हम लोग अगली वीडियो के अंदर जरूर जरूर ट्राई करेंगे। बाकी अगर आप सब लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल यार गाइस।